आए दिल ही तो है। क्या जरूरत थी अबीरा को इतनी तलखी से मना करने की? कुछ लोगों से नरम लहजे में बात करें ना तो उनका गलत मतलब निकाल लेते, इसलिए मुझे आप ही के साथ तलख होना पड़ा। सबीना, उसने सिर्फ मुझसे एक फेवर मांगा था, दैट्स इट। मुहित, ये छोटी छोटी फेवर्स आगे जाके बड़ी होती जाएंगी, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी आपसे, और वैसे भी अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन तुमने मुझसे खुद कहा था ना कि तुम मुझे ट्रस्ट करती हो। आप पे ट्रस्ट होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं आप ही पे भी ट्रस्ट करूं। वो पहले भी मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी और हमेशा रहेंगी। वो मेरे साथ इतना बुरा कर चुकी है मोहित कि मैं उन पे दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकती, ना तो मैं कभी उन्हें माफ कर सकती हूँ। सिर्फ उनकी वजह से मेरे करीबी रिश्ते मुझसे दूर हो गए, दिलों में फासले आ गए, मुझे मेरा अपना वजूद मोतबर नहीं लगता। मोहित, मैं आप ही को अब दोबारा ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती जिसके बाद वो मेरी जिंदगी में दोबारा तूफान खड़ा कर दे। सबीना, तुम क्या कह रही हो, कैसा तूफान? मोहित, आप और आपका साथ मेरे लिए बहुत अहम है। मैं आपको कभी खोना नहीं चाहती, सच में। चक्कर चलाते वक्त, जबकि वो शादीशुदा हैं और तुम मेरे फियांसे। तुम्हारा दिमाग खराब है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हो गया मेरा दिमाग खराब तो जाओ इलाज करवाओ, ये मुझ पे क्यों उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही हो? तुम सबरीना से मिलते हो ना, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं सब सब जानती हूँ। हाँ मिलता हूँ, तो क्यों मिलते हो, क्या लगती क्या है वो तुम्हारी? ये तुम्हारा कंसर्न है। दैट is all my concern. We're engaged और हमारी शादी होने वाली है सरमद। मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता, ये तो अम्मी ने मुझे फोर्स किया तो मैंने हाँ कर दी, वरना तुमसे शादी impossible। मैं हमेशा से सबीना से मोहब्बत करता था और करता रहूंगा, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। मामा बिल्कुल ठीक कहती थी आपके बारे में, आप ऊपर ऊपर से बहुत स्वीट हैं, लेकिन आपके दिल में मेरे लिए सिर्फ जहर है। Sure, answer. अम्मी के अगेंस्ट एक लफ्ज मत बोलना, I'm telling you. You shut up, सरमद। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से बढ़कर चाहा और तुम मुझे सबरीना के लिए छोड़ रहे हो। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं कभी भी सबरीना को तुम्हारा नहीं होने दूंगी। शान से मुई बाहर चले, कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं और अच्छा सा डिनर भी करते हैं। चल। एक सेकंड बैठो, पहले मुझे ये बताओ कि किस खुशी में, हाँ कोई खास बात है क्या? नहीं खास बात तो कोई नहीं है, बस मेरा दिल कर रहा है। अच्छा, यानी जबरदस्ती है। ये क्या बात हुई, जब आपका दिल करता है तो मुझे जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं,
और आज जब मेरा दिल कर रहा है बाहर जाने के लिए तो आप मुझे नखरे दिखा रहे हैं। क्या? तो भाई मैं कब नखरे दिखा रहा हूँ तुम्हें? हाँ तो बातें तो आप ऐसे ही कर रहे हैं कि जैसे आप चाह रहे हैं कि मैं इंसिस्ट करूँ। हाँ इंसिस्ट तो तुम कर रही हो, लेकिन तुम कन्विंस नहीं कर पा रही कि मैं अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के तुम्हारे साथ डिनर पे जाऊँ। पहले तुम मुझे कन्विंस करो कि तुम्हारे साथ जाना क्यों जरूरी है। सही है। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरा दिल क्या चाहता है। आपको हमेशा काम की पड़ी रहती है। ठीक है, आप अपना इम्पोर्टेंट काम करें, आइंदा ना मैं आपके साथ कहीं पे भी नहीं जाऊंगी। अच्छा सोच लो फिर, कल यूनिवर्सिटी नहीं जाना है क्या? नहीं भाई, यही तो मसला है कि तुम जानबूझकर चाहती हो कि एग्जाम से तुम्हारी जान छूट जाए। देखो इस दफा कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, हर सूरत में तुम्हें अपना पेपर तो देना पड़ेगा। इसलिए चलो आज तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हारी फेवरेट जगह पे डिनर करेंगे और उसके बाद लॉन्ग ड्राइव। ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। ओके जाओ। सबरीना के साथ डिनर और ड्राइव पे जाना हो। जमाना कितना बदल गया राइट? एक टाइम था जब दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए मैं थी। जब मैं अपसेट होती थी तो जब तक तुम मेरा मूड नहीं ठीक कर लेते थे तुम्हें चैन नहीं आता था। और आज देखो सबरीना ने जरा सी बात पे मेरी कितनी इंसल्ट की है। छोटी सी फेवर ही तो मांगी थी ना मैंने तुमसे, लेकिन तुम उसके कितने लाड उठाते। अपनी जगह तुम नफ़रत छोड़ी थी अबीरा, याद है? मेरी गलती थी, मेरा कसूर। हाँ तुम्हारा ही कसूर था। जब नसीब साथ ना दे तो ख्वाहिशें हसरत बन जाती, और हमारे नसीब में साथ नहीं था भाई। नसीब में होता ना अगर तो तुम ये बात जरूर समझती कि जिंदगी का साथी बेबस या लाचार हो जाए तो उसे तब्दील नहीं किया जाता बल्कि उसका साथ दिया जाता। और आज जो तुम मोहब्बत के दावे कर रही हो, जब तुमने मुझे छोड़ा था तो उस वक्त कहां था ये एहसास तुम्हारा? तो पता मेरा साथ किसने दिया, कौन था मेरे साथ? सबरीना थी मेरे पास। फाइन, नहीं करती कंप्लेन, में कुछ नहीं कहूंगी मैं। वैसे भी मेरी अहमियत ही क्या, और जब अहमियत थी भी तभी तो मुझसे सबरीना के लिए लड़ते थे, ये भूल गए तुम। और तुम तो मानोगे कि हमारे बीच में सबरीना ही आई है। मत दो से इल्जाम। खबरदार, उसने मेरा साथ दिया है मुश्किल वक्त में, जब मैं तड़प रहा था तरस रहा था तुम्हारे चंद बोल के लिए, तुम्हारी एश्योरेंस के। अरे मैं तो सिर्फ ये सुनना चाहता था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हर हाल में मेरा साथ होगी, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। हाँ मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, इधर मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है, और जो आज मैंने तुम्हारे साथ किया है ना, कोई मेरे साथ हो रहा है, मेरा सिर फटा जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरे में अबीरा कहाँ रखी है? सबरीना जी मिल गई बेटा? नहीं मिल रही आंटी, पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ, याद ही नहीं आ रहा है। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ, तुम लोग जाओ। अच्छा ठीक है। अरे ये मोबाइल तो ले जाओ। यही लेने आई थी मैं, आप अपना ख्याल रखिएगा तो हम लोग जल्दी आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, तुम लोग घूमो फिरो खाओ पियो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जाओ ना फिर एंजॉय करो। अच्छा जी कहाँ रख दिए इसने रिंग? बेटा मैं ऐसा करती हूँ कि एम्बुलेंस कॉल कर लेती हूँ। नहीं नहीं चाची जान इसकी जरूरत नहीं, मैंने उसको गाड़ी में बिठा दिया, हम डायरेक्ट हॉस्पिटल ही चलते। फिर भी बेटा। नहीं नहीं चाची जान इट्स ओके, सबीना वो अपीरा को हॉस्पिटल।
गाड़ी में बैठे चल। दिल ही तो है।